बसमिलकुम मैं हूँ नुमा रशीद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स मैं अपने इस YouTube चैनल पर अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम कहता हूँ हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सैम्पल का साइज़ थ्री मतलब अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक हो तो हम इस टेक्निक से सैम्पल का साइज़ अपनी पापुलेशन से कैसे ड्रा कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे इससे पहले मैंने आपको सैम्पल का साइज़ टू बनाना सिखाया विदाउट से भी सिखाया विद से भी सिखाया फिर विद से हमने सैम्पल का साइज़ थ्री सीखा था लेकिन आज हम विदाउट रिप्लेसमेंट से सैम्पल का साइज़ थ्री सीखेंगे फिर इनशाला अपने नोमेरिकल कोश्चन की तरफ जाएंगे तो अपनी वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए जी तो सैम्पल का साइज़ हमारे पास थ्री कैसे बनेगा देखें जी मेरे पास पापुलेशन है जी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स है आ, मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है सिक्स सैम्पलिंग यूनिट्स पर मुश्तम हमारी पापुलेशन है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल एन है वो इस वक्त हमारे पास सिक्स है और सैम्पल का साइज जो है वो हमारे पास थ्री है तो अगर हम ऑल पॉसिबल सैम्पल ड्रा करना सीखें तो हम कैसे सीखेंगे जी इसमें सिक्स सी थ्री तो क्या आएगा जी हमारे पास सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इंटू सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को यह कॉम्बिनेशन डायरेक्ट सॉल्व करना आता है कैलकुलेटर से तो आप ख़ुद कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और अगर नहीं है तो फिर आप इसे कॉम्बिनेशन बनाकर सॉल्व कर लीजिए तो सिक्स फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन सिमिलरली थ्री फैक्टोरियल जो होगा वो थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू होगा और सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल जो होता है थ्री होगा तो ओबियसली वो थ्री इंटू टू फैक्टोरियल होगा और टू फैक्टोरियल जो होता है वो टू इक्वल इक्वली होता है या टू को फैक्टोरियल को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो टू इंटू वन आता है तो वो टू ही कहलाएगा तो अब थ्री जो है वो टू के साथ कैंसिल होकर हमारे पास टू रह जाएगा या सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स होता है तो सिक्स सिक्स से कैंसिल हो जाएगा ये थ्री जो है वो इस थ्री से कैंसिल ये टू इस टू से कैंसिल तो फाइव फोर से ट्वेंटी होता है तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल जो सैम्पल्स बनेंगे इस पॉपुलेशन से वो ट्वेंटी बनेंगे तो अब मैं आपको पॉपुलेशन से पहले दो के सैंपल बनाना सिखाता हूँ और दो से ही फिर हम तीन के सैंपल बना लेंगे वो मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा देता हूँ तो सबसे पहले जी हमारे पास पॉपुलेशन से टू का सैम्पल बनाएंगे और टू को फिर हम थ्री में कन्वर्ट करेंगे वन टू वन थ्री इसी तरह वन फोर वन फाइव एंड वन सिक्स ये मेरे पास वन से जो बिलोंग्स सैम्पल्स हैं वो ये आ गए फिर इस तरह फर्दर चलना है जी मैंने टू थ्री टू फोर टू फाइव एंड टू सिक्स बिल्कुल इसी तरह करके फिर थ्री फोर थ्री फाइव एंड थ्री सिक्स फिर फोर फाइव फोर सिक्स और फिर फाइव सिक्स हमारे पास बन जाएंगे इस स्क्रीन पर इस वक्त आप टू के सैंपल्स देख रहे हैं वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स फोर फाइव फोर सिक्स एंड फाइव सिक्स मैंने आपको बनाने थ्री के थे लेकिन आपको टू के बना के दिखाए उसकी रीज़न ये थी कि टू से अब हम थ्री के सैम्पल बनाएंगे और बड़ा इजी हम इस टेक्निक को सीख जाएंगे मैंने जो ये इस वक्त रेड हाईलाइट किए हुए हैं बेसिकली ये वो सैम्पल्स हैं जो मैंने अपने थ्री के सैम्पल में यूज़ नहीं करने और मैं इनको रेड कर रहा हूँ रेड रेड मीन कैंसिल कर रहा हूँ कि मैं इनको अपने थ्री के सैम्पल में कहीं यूज़ नहीं करूँगा तो अब थ्री से सैम्पल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ अब देखिए मैंने एक वन और टू फर्स्ट सैंपल लिया है इस वन और टू को मैंने जब सैंपल लिया है तो मैंने इसे थ्री के सैंपल कैसे बनाने इससे नेक्स्ट यूनिट इसके अंदर ऐड करूँगा मतलब इसके साथ अटैच करूँगा तो वो क्या बनेगा जी वन टू थ्री बनेगा लेकिन अभी मेरे पास पॉपुलेशन के अंदर टू के बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो मौजूद हैं मतलब फ़ोर भी है फाइव भी है और इसी तरह सिक्स भी है तो मैंने क्या करना है जी वन टू को थ्री के साथ फिर वन टू ही रहेगा लेकिन नेक्स्ट यूनिट इसके साथ अटैच हो जाएगा फोर बनेगा ये वन टू ही रहेगा यानी कि यही वाला मैं उठा रहा हूँ और उसके बाद के जितने एलिमेंट हैं वन बाय वन इसके साथ ऐड करता जा रहा हूँ थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसी तरह वन टू थ्री वन टू फोर यानी कि नेक्स्ट यूनिट क्या होगा फोर के बाद फाइव है वन टू और लास्ट वन हमारे पास सिक्स अब वन टू से जितने भी मेरे पास पॉसिबल सैम्पल्स बनने थे वो मैंने इसमें बना लिए हैं और मैं इसको अब हाईलाइट करके इग्नोर uh, कर रहा हूँ और वन थ्री उठाता हूँ जी तो उससे आगे जितने भी एलिमेंट हैं वन बाय वन इसके साथ अटैच करता जाता हूँ वन थ्री के साथ फोर है वन थ्री के साथ फाइव है वन थ्री के साथ सिक्स है तो वन थ्री फोर वन थ्री फाइव एंड वन थ्री सिक्स तो वन थ्री से जितने सैम्पल्स बनने थे वो मैंने बना लिए और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इसी तरह वन फोर है अब वन यहाँ है और फोर यहाँ है तो उसके बाद के दो एलिमेंट हैं तो वन फोर के बाद फाइव आएगा वन फोर के बाद सिक्स आएगा तो मैंने इसको भी इससे भी बनने वाले सैंपल्स जो हैं वो मैंने यूज़ कर लिए सेम एज़ वन फाइव पर जाएंगे जी अब अब वन फाइव पर जब गए हैं तो उसके उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट यूनिट है वो है मेरे पास सिक्स तो मैंने वन फ़ाइव को सिक्स के साथ सिक्स इसके साथ वन फाइव के साथ अटैच कर दिया बिल्कुल इसी तरह वन फाइव अगर सिक्स लेता हूँ तो सिक्स के बाद मेरे पास अगला डिजिट कोई भी नहीं है तो इसलिए मेरे पास जो सिक्स वाले थे जो सिक्स के सैम्पल्स जिसमें लास्ट डिजिट सिक्स आ रहा था यानी कि पॉपुलेशन का लास्ट एलिमेंट आ रहा था वो मेरे लिए बेकार थे जब वो मेरे लिए बेकार थे तो मैं उसको फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर सकता था जब फर्दर यूज़ नहीं कर सकता था तो मेरे पास वो सैंपल में आने ही नहीं थे इसलिए मैंने उनको कैंसिल कर दिया कि ये मेरे सैम्पल का हिस्सा नहीं बनेंगे अब टू थ्री है जी तो टू थ्री के बाद मेरे पास कौन सा एलिमेंट है फोर फाइव एंड सिक्स है तो अब मैं इसको भी साथ अटैच कर दूंगा टू थ्री के साथ फोर टू थ्री के साथ फ़ाइव टू थ्री के साथ सिक्स तो अब टू थ्री से जो बनने वाले एलिमेंट थे वो भी मेरे पास काबिल इस्तेमाल में आ गए टू फोर है जी टू फोर के बाद फ़ाइव है तो वो फाइव आ जाएगा टू फोर के साथ सिक्स आ जाएगा तो टू फोर से दो ही सैम्पल बनने थे मेरे पास वो बन गए मैं टू फाइव लूँगा टू फाइव के बाद क्या आ जाएगा जी सिक्स आ जाएगा तो इससे भी सैम्पल हमारे पास ईजिली बन चुका अब टू सिक्स मैं नहीं ले सकता क्योंकि सिक्स के बाद कोई पॉपुलेशन का एलिमेंट नहीं है जो मैं इसके साथ अटैच कर सकूं तो इसलिए हमारे पास इससे कोई सैंपल बनेगा ही नहीं इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया अब थ्री फोर है जी तो थ्री फोर के बाद मेरे पास नेक्स्ट यूनिट कौन सा है फाइव है वो मैंने ऐड कर दिया फिर एलिमेंट सिक्स है तो वो इसके साथ अटैच कर दिया इसी तरह थ्री फाइव के बाद कौन सा एलिमेंट है जी मेरे पास लास्ट थ्री uh, फाइव के बाद सिक्स है अब फोर फाइव रह गया है जी लास्ट एलिमेंट तो फाइव के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है जी मेरे पास सिक्स आ रहा है तो मैंने इसमें सिक्स ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ट्वेंटी सैम्पल्स बन चुके हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टी और 20 ये 20 सैम्पल्स मेरे पास इस वक्त इस पापुलेशन से जो मेरे पास इस वक्त पापुलेशन है उससे मैंने जो है ना जी क्या कहते हैं थ्री के सैम्पल को साइज़ को यूज़ करते हुए 20 सैम्पल्स बना लिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले टू के सैम्पल बनाया और फिर टू के बाद जो लास्ट एलिमेंट जिसमें आ रहा था जिस सैम्पल में उसको मैंने इग्नोर कर दिया या कैंसिल कर दिया जिसको मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ यानी कि ये हमारे इस पॉपुलेशन से बनने वाले सैम्पल में थ्री के सैम्पल में वो कहीं इस्तेमाल में नहीं आएंगे अब मैंने वन बाय वन सैम्पल टू का उठाया और उसके बाद जो फर्दर एलिमेंट थे वो वन बाय वन इसके साथ ऐड करता गया अटैच करता गया जैसे वन टू था तो उसके बाद थ्री आना था तो वन टू थ्री बना वन टू ही रहा लेकिन उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इसके साथ अटैच हो गया वन टू ही रहा लेकिन इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट फाइव अटैच हो गया वन टू ही रहा लेकिन उसके बाद सिक्स इसी तरह वन थ्री के साथ फिर वन फोर के साथ वन फाइव के साथ टू थ्री के साथ और ये मेरे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल इस तरह ट्वेंटी के थ्री के जो है ना विदाउट रिप्लेसमेंट से बन गए जो कि ट्वेंटी बनते थे तो ये थ्री का सैम्पल आपने बनाना सीखे बस आज का टॉपिक मेरे पास आपके लिए इतना ही था आ, नेक्स्ट वीडियो में हम इनशाला इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक छोटा सा प्रूफ भी मैं इसका हिस्सा शा, शामिल करूँगा कि बेसिकली ये विदाउट रिप्लेसमेंट से जब हम सैंपल ड्रा करते हैं वो असल में हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बनता पर परमोटेशन बनता है लेकिन मैंने फिर बताया कि बुक्स में आप लोगों को जो है कंबिनेशन का ही है तो इसलिए मुझे कॉम्बिनेशन का ही सहारा लेना पड़ रहा है लेकिन बहरहाल मैं इसका प्रूव आपको एक कराऊंगा वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा होगा आ, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़